नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो। राजस्थान में एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा बारिश होने की आशंका दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा पोर्ट से कम दबाव क्षेत्र ओडिशा से छत्तीसगढ़ की तरफ मूव हो रहा है। ये मध्य प्रदेश की तरफ से होते हुए पश्चिमी राजस्थान की दिशा में बढ़ रहा है। इसका असर शनिवार को राजस्थान में दिखाई दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार टर्फ लाइन के अनुसार यह सिस्टम मूव होता है और वर्तमान में टर्फ लाइन पूर्वी राजस्थान की तरफ है, इसलिए राजस्थान की तरफ से इसका मूवमेंट होगा, जिसके चलते नमी व बादलों इस तरफ बढ़ेंगे। इसका असर पश्चिमी राजस्थान में दिखाई देगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार शनिवार से जोधपुर व जैसलमेर में इसका असर दिखाई देगा, आरंभ हो जाएगा। अगले दो दिन तीन शहर में संभावनाएं रहेगी। साथ ही आपको बताते हैं कि लंबे अरसे के बाद सूर्य नगरी में शनिवार को घटाएं झूम कर बरसी, लेकिन शहर के आधे हिस्से में पिछले शहर में हुई जोरदार बारिश के कारण सड़कों पर तेज पानी बहने लगा। शहर में कई स्थानों पर घुटनों तक पानी नजर आया। वहीं क्षेत्र के कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिली। बारिश में एक गर्मी से निजात अवश्य मिली, लेकिन उनसे उमस और बढ़ गई। यह कुछ तस्वीरें जोधपुर की जो आप देख सकते हो। झमाझम बारिश का यह दौर चौपाशनी रोड के ऊपर हिस्से में ही चला। चौपाशनी रोड के इस तरफ से हिस्से में हल्की बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में चटक धूप निकली। जोधपुर में आज सुबह से हल्के बादल छाए हुए थे। कभी तेज धूप तो कभी सूरज बादलों की ओट में छिप जाता। मौसम का अनुमान है कि जोधपुर में आज बारिश हो सकती है। वहीं बारिश नहीं होने से तापमान की बढ़ोतरी हो गई है। अल सुबह बादलों की आवाजाही कम से कम न्यूनतम 1 डिग्री पर बढ़ोतरी रही, 26 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे निकलने के बाद धूप खिली। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों ने फिर तेज होने की सक्रियता जांच ली है। आज प्रदेश भर में विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर से तेज हो गई है। मौसम विभाग ने शनिवार को 10 जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार सभी मौसमी परिस्थितियों अनुकूल होने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से मानसून की गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इनमें से कुछ जिलों में भारी तो कुछ जिलों में भारी से अधिक बारिश हो सकती है, इसलिए दर्जन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी करना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और उससे छिले मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो दोस्तों, और भी खबरें आपको मिलती रहेगी, लेकिन हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो आप दिखे सबसे पहले।